अभी तो सिटी में 11.5 करीब का माइलेज निकाल के दे रही है मेरे को। पेडल है मैंने भाई ये डलवाए थे इसके अंदर मेटल वाले जो है ना, जो एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ एक बार मोटा मोटा बता दूँ तो मैंने ये बाहर से डलवाए, ये करीब 1500 रुपये के डले, 850 रुपये की है वो। मतलब मेरे पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ, काफी बड़े साइज की सनरूफ मिलती है, लेदर के यहाँ पे टचेस है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाइयों, स्वागत है भाई इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे यार XUV700 अपनी गाड़ी के बारे में। हाँ जी गाइस, तो भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी एंड काफी दिन बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो भाई बात करता हूँ, मैंने ये गाड़ी क्यों उठाई है, क्या सीन बना, कैसे मूड बना। चाबी ये रही, कवर वगैरह चढ़वा लिया था मैंने, 150 रुपये कुछ का कवर था इसके ऊपर। बाकी चीज़ पूरी बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में यार। मतलब इतनी बड़ी लगती है, इतनी ज़्यादा सही लगती है ना देखने के अंदर। AX5 मैंने बुक करी थी यार, वो मिल नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को दिवाली तक गाड़ी चाहिए थी, बिकॉज घर में कुछ फंक्शन था तो मुझे गाड़ी लेनी ही लेनी थी। एंड सीन फिर क्या बना यार कि मैंने बोला यार थोड़ा सा कि और कौन सा मॉडल मिल जाएगा, तो कंपनी ने पता चला कि AX7 एक आ रही है एंड वो अभी बिल्ड नहीं थी, मतलब वो बिल नहीं हुई थी किसी के नाम पे। तो AX7 मतलब मैंने बोला चलो मैं AX7 लेता हूँ। मैंने फिर फ़र्क जब देखे ना भाई, 2.5-3 लाख रुपये का मोटा मोटा जो अंतर था यार, वो बिल्कुल वर्थ था। 18 इंची का पहिया देखने को मिल जाता है आपको उसके अंदर, आपको इसमें इडास देखने को मिल जाता है। देखते हो साइड की अब बात करते हो, अलॉय व्हील भी डायमंड कट, खैर AX5 में आपका 17 आता है, इसमें 18 आता है आपका इसके अंदर। बाकी चीज़ की बात करूँ तो इसमें रियर में कैमरा देखने को मिल जाता है आपको, एक वॉक अराउंड देख रहे हो। गाड़ी मतलब यार ये जचती है, और पीछे भाई वाइबर वाइबर तो अगर उसके अंदर भी आ रहा है। इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, AX7 की ब्रांडिंग आपकी यहाँ पे हो रही है, देख सकते हो AX7 है। ये डीजल के अंदर है, 7 सीटर आती है आपकी ये गाड़ी। ये खोलूँगा एक बार तो आप देखो, ये आप देख सकते हो सीट पीछे की मैंने फोल्ड कर रखी है, और ये मैटिंग वैटिंग मतलब कंपनी से डल गई थी भाई। इतना अपना रिकॉर्ड है कि ये मैटिंग वैटिंग जो भी डली हुई है फ्री में डली है मेरी गाड़ी के अंदर। मैंने मतलब एक्सेसरीज का कुछ भी ज़्यादा पैसा नहीं दिया कंपनी के अंदर। वाइजर वगैरह जो लगे हैं डोर पे आपके, मैंने बाहर से डलवाए हैं गाड़ी के अंदर। और क्या चीज़ें, एक बार इंटीरियर भी चेक कराऊँ आपको, तो आप ये देखो ये खोला, ये मैंने गत्ते गत्ते भी चढ़े हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं हटाया, क्योंकि गाड़ी चली नहीं है ना बिल्कुल, 90 किलोमीटर चली है। पन्नी वन्नी पूरी लगी हुई है टिप टॉप एकदम, यहाँ पे पन्नी वन्नी डली हुई है, माइक मेरा ये पड़ा हुआ। सनरूफ आपको बहुत अच्छे साइज़ की से मिल जाती है, मतलब लग्जूरियस फीचर तो हाँ भाई है। मैंने ना जब ये ले रहा था ना, मतलब मैंने इससे पहले यार उसकी भी ड्राइव ली थी आपकी स्कॉर्पियो N की, और मेरे को यार मतलब वो गाड़ी लगी सही, कंफर्टेबल इतनी नहीं है, लग्जूरियस इतनी नहीं है। इसको आप जब चलाते हो स्टेयरिंग ऐसा मक्खन है इस गाड़ी का, तो इतना लाइट है ना, एक वो फील पूरा अच्छा खासा देती है आपको। एंड इंटीरियर के लेदर के टचेस हो गए आपके, मैटिंग वैटिंग मैंने सब चीज़ वो सब डलवाई अलग से, कंपनी में डली थी। क्रूज़ कंट्रोल आ गया, पुश बटन स्टार्ट आपको इसमें देखने में जाता है। पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ, काफ़ी बड़े साइज की सनरूफ मिलती है, लेदर के यहाँ पे टचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है ड्राइवर वाली जो आपको है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कंसिडर करी है, मैं गाड़ी देख रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसके अंदर आपको पावर ज़्यादा मिलती है, ये गाड़ी आपको ज़्यादा पावर देती है स्कॉर्पियो N के मुकाबले। 182 PS करीब है आपको गाड़ी देती है, एंड मान के चलो 420 Nm का टॉर्क देती है। तो यार काफ़ी अच्छे फिगर्स मैं बोलूँगा, मतलब पावरफुल दमदार गाड़ी है, बढ़िया है। अभी तो सिटी में 11.5 करीब का माइलेज निकाल के दे रही है मेरे को, एक रात का भी मैं वीडियो कवर कर दूंगा इस गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, गाड़ी में आपको इडास मिल जाता है, नीचे की तरफ यहाँ पर रडार है आपका, और ऊपर आप यहाँ देखते हो ना ये वाली जगह, यहाँ पे आपका भाई वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है लेन कीप वेन कीप के लिए। ये देखो ऐसे ऊपर से देख लो, जचती है गाड़ी, मतलब यार दरवाजे पर खड़ी कर दो ना। अभी तो काले वाले शीशे से कैसे है ना, वो मैट मैंने ब्लाइंड लगवा दिया है इस पर, तो एकदम काले से शीशे लग रहे हैं। मतलब मेरा तो मतलब डिसीजन ऐसे ही बन गया यार, 2.5-3 लाख रुपये ऊपर की बात थी, मैंने बोला हटाओ यार डालो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज बेटर चीज़ लेने में फ़ायदा है। अब सीट कवर नहीं डलवाने पड़े ना इसके अंदर, इसमें एयरबैग भी 6 देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं AX7 लग्जरी में जाता हूँ तो यार वो मान के चलो इससे 2 से 2,20,000 रुपये और महंगा पड़ता है। उसके अंदर आपको एडास मिलता ही है, बाकी चीज़ क्या, वायरलेस मोबाइल चार्जर आता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हैंडल आते हैं ना, ये मोटर वाले जो हैंडल है वो, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंडल मिलते हैं, सोनी का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है आपको उसके अंदर। और तो यार छोटे छोटे ही फ़र्क देखने को मिल जाते हैं, लाइक बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। एलेक्सा इसके अंदर भी है, ये गाड़ी भी आपकी मोबाइल से आप अनलॉक कर लो जो एड्रेनोक्स की ऐप है ना, क्योंकि इसमें आपको एड्रेनोक्स भी देखने को मिलता है। बाकी LED हेडलैम्प है। एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात कर लूँ एक बार मोटा मोटा बता दूँ तो मैंने ये बाहर से डलवाई, ये करीब 1500 रुपये के डले थे मेरे, ठीक है। और फ्रंट में तो मैंने कुछ चीज़ लगवाई नहीं है इसके अंदर, ये मैंने जो डोर गार्ड है ये भी मैंने बाहर से डलवाई, 550 रुपये की ये डल गए थे। अंदर से दिखा दूँ, ये कंपनी से डली है, 1200 रुपये की है, ये मैटिंग कंपनी से डली है, 5500 रुपये की है। 3D वाली जो XUV700 ये कंपनी से डली है, ये महिंद्रा की जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बाकी एक इस पर फिल्म चढ़ती है, वो फिल्म चढ़वाई थी मैंने, जो स्क्रीन पे चढ़ती है वो 850 रुपये की है, वो मतलब मेरे में डल गई। और एक चीज़ और थी, स्कफ प्लेट कंपनी से डलवाई थी, स्क्रीन गार्ड सा हो गया, मैटिंग हो गई। एक चीज़ और थी, पता नहीं क्या था, 4 चीज़ें कुछ थी वो, तो वो भी सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कराई, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। ब्लाइंड मैंने भाई बाहर से ही डलवाए, 1200 रुपये कुछ के ब्लाइंड थे,
काफ़ी अच्छी क्वालिटी मतलब इन्होंने ऑफर करी है, तो ये बाहर से ही डलवाया मैंने इसके अंदर, देखते हो मतलब इनको काला सा एक लुक दे रही है ना शीशे पे, काला लुक यार बहुत ज़्यादा जचती है उसके अंदर। तो ये फोर व्हील ड्राइव का एक ब्रांडिंग मैंने मंगा ली थी आपकी, ये मतलब ये स्कॉर्पियो में लग के आती है वाली ब्रांडिंग, तो मैंने ये ऐसी लगा दी है इस पर। अभी AX7L का भी जो लोगो है ना उसका एक L लगा देंगे यहाँ पे, मतलब एक लग्जरी वाली बाहर से दिखेगी, टॉप मॉडल है, बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है गाड़ी में, डास वेडा सब चीज़ है ही। इनको लग के बहुत अच्छा सा लुक आ गया यार, कंपनी पे बड़े महंगे हैं ये, 5500 रुपये के हैं कंपनी पे, मगर ये क्रोम जो सैटर्न है ना इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है, मतलब मैं बोलूँगा यार, बट भाई बदलवा देंगे इसको और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे ज़्यादा। इसको ओपन करता हूँ तो देखना, इलेक्ट्रॉनिक सीट है, सीट अपने आप पीछे होने लगती है, देख रहे हो सीट पीछे की तरफ हो जाती है, नीचे बैठ गई, अंदर घुसने देखने। हाँ एक एक सर, ये जो पेडल है मैंने भाई ये डलवाए थे इसके अंदर, मेटल वाले जो है ना, जो रबड़ के आए थे वो निकल गए थे रबड़ के, ये देखो ये रबड़ वाले जो है ना ये घटिया से ये निकल जाते हैं और लोहे के घुस जाते हैं, ये OEM है मतलब महिंद्रा से ही डले हैं ये सब चीज़, चकाचक हिसाब किताब है, देख रहे हो। तो मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी थी, बाकी तो यार गाड़ी मतलब मुझे बहुत सही लगी है देखने में, ये फील इज़ गुड, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, हाईवे पर जब आप चलते हो तब आपका ये वेट गेन करता है, बाकी गाड़ी इज़ गुड। यही था भाई मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर, यही बताना चाहता था क्यों मिली, कैसे मूड बना, क्या चीज़ है। और अभी हमारी भाई थार भी जो है ना वो अभी गई नहीं है, बट वो जाने वाली है, बिकॉज थार को मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, थार अगर अभी निकाल देंगे तो सही प्राइस पे जाएगी, क्योंकि 5-door थार जब आएगी तो 5-door का भी मेरा मूड है, हमारी फैमिली भाई थोड़ा सा है ना घूमने फिरने का हिसाब है, तो फैमिली जब थोड़ा वो होता है तो भाई थार के थोड़ी दिक्कत होती है, 5-door थार हम ले लेंगे, एंड यार वो बहुत सही चीज़ रहेगी, मतलब एक 5-door थार गाड़ी है ना कमाल होगी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो के, तब तक अगले भाई बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।